जी नाजरी, आज का जो मेरा उन्वान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी नाजरीन, आज का जो मेरा उन्वान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्वान है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि चाइना में किस तरह से पार्क और किस तरह से पार्क्स के अंदर चीज़ों को मुज़य्यन किया जाता है, लगाया जाता है, रखा जाता है, और किस तरह से यहाँ पे लोग रिक्रिएशन करते हैं, अपने टाइम को किल करते हैं, और अपने टाइम को किल करने के लिए लोगों ने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें बनाई हैं। तो नाज़रीन, चाइना बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। ये देखें, ये आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे लोग बैठ के मछलियाँ पकड़ते हैं जी, छोटी छोटी मछलियाँ, और ये बड़े ट्रेडिशनल से, ये आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं, पहाड़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बैठ के वो मछलियाँ पकड़ते हैं जी। क्योंकि अभी कोविड है तो अभी लोग बहुत कम यहाँ पे आके मछलियाँ पकड़ते हैं। ये देखें जी, ये पत्थर आप देख रहे हैं, और इसके साथ साथ आप देखते जाएं तो पत्थरों के साथ साथ छोटी छोटी सलाखें लगी हुई हैं, छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, और इट शोज़ हाउ इम्पोर्टेंट टू बी फिशिंग इन चाइना। चाइना में फिशिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है लोगों की पुरसकून लाइफ, उसमें सबसे बड़ा किरदार पुरसकून जगहों का भी है। ये देखें कितनी खूबसूरत और पुरसकून जगह है, ये देखें आप। और अभी भी इनके अंदर कुछ ना कुछ मछलियां हैं, ये देखें, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे रिक्रिएशन, ये देखें, ये यहाँ पे रिक्रिएशन के लिए लोग बैठते हैं। और परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें, और ये नाज़रीन दरख्त देखें कितने इम्पोर्टेंट दरख्त हैं ये। जी तो नाज़रीन, मैं भी आज यहाँ पे बैठ गया हूँ, और बहुत ही सनशाइन है, सूरज बड़ी आबोताब के साथ चमक रहा है। तो लोग यहाँ पे कोविड से पहले बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ते थे, बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करते थे। और आप देख सकते हैं ये अभी ये जो तालाब हैं बहुत सुनसान पड़े हैं, अभी भी शायद इनके अंदर को मछलियाँ हों। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे अब लोग बहुत केयरफुल हैं अबाउट देयर हेल्थ, अबाउट देयर लाइफ, तो बहुत ऑफ एंड ऑन है जो लोग यहाँ पे आके मछलियाँ पकड़ते हैं। और अब पानी बिल्कुल आराम से, बिल्कुल काम खड़ा है, और लोगों का इंतज़ार कर रहा है कि कब लोग आए और यहाँ पे मछलियाँ पकड़ें। चाइना में छुट्टियों पे लोग सबसे ज़्यादा फ़िशिंग और ट्रैवलिंग करते हैं, जो कि बहुत अच्छी आदत है। लेकिन चूँकि अब प्रकाशन हैं, लोग बहुत ज़्यादा प्रकाशनरी हर्बे इख्तियार कर रहे हैं और अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रख रहे हैं, तो इसलिए बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि मछलियां पकड़ने आते हैं।
तो हम साथ साथ आपको ये भी दिखाएंगे। ये देखें ये कितनी खूबसूरत जगह है बैठने के लिए। ये देखें, वेरी वंडरफुल सीन। और आपको चिड़ियों के चहचहाने की भी आवाज़ें आ रही होंगी। और ये मैं दरख्तों के बीचों बीच इस छोटे से पार्क में आया हूँ। नाज़रीन, चाइनीज़ ज़ुबान में पार्क को कोंग युआन कहते हैं। और ये जो कोंग युआन है, इसका मतलब होता है लोकल पार्क। और अगर वहाँ पे लोग मछलियाँ पकड़ें तो उसको यू कोंग युआन कहते हैं, यानी कि यू कहते हैं मछली को। लेकिन आप बड़ी ख़ूबसूरत तरीके से आप देख सकते हैं ये दरख्त कितने प्यारे हैं। ये देखिए, इट्स रियली यू नो ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल प्लांट्स। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है जी। ये देखें दरख्त की शाखें और ये ऊंचे ऊंचे दरख्त। लेकिन ये आप पानी देखें, पानी किस तरह काम है, बिल्कुल पुरसकून है। और सूरज का साया उस पर पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज, ये देखें ये कितने खूबसूरत और अट्रैक्टिव ट्रीज हैं। और ये पत्थर देखें, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही प्यारे। यहाँ पे एक और मैं नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये देखें नादे, यहाँ पे भी बिल्कुल पानी बिल्कुल पुरसकून ठहरा हुआ है। और दरख्त देखे कितने प्यारे हैं जी। नाजरीन, इस छोटे से पार्क का चक्कर लगाने के बाद मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ वो ये है कि आफ्टर कोविड ज़िंदगी थोड़ी सी सस्टेन्ड कर गई है। लेकिन चाइना में जितने भी पार्क हैं, दे आर बेस्ट सोर्सेस टू रिक्रिएट। रिक्रिएशन के लिए बहुत बड़ा ज़रिया है। और यहाँ पे आप रिक्रिएशन कर सकते हैं, यहाँ पे आप आके अच्छा टाइम किल कर सकते हैं, यहाँ पे आप मछलियाँ पकड़ सकते हैं, यहाँ पे आप अपना टाइम एजुकेशन को दे सकते हैं, आप यहाँ पे मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। और इस पार्क के अंदर देखिए कितना सन्नाटा और कितनी रौनक है। ये देखिए कितनी खामोशी, कितना सन्नाटा, कितनी रौनक है जी। परिंदों की चहचहाट है, परिंदे देखे चिरप कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। और ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी ठहर सी गई है। इट्स रियली अ वंडरफुल सीन टू बी डॉक्यूमेंट। और दरख्त देखे कितने प्यारे हैं, कितने खूबसूरत दरख्त हैं। तो जब कभी भी आपका चांस हो चाइना में आने का, तो चाइना में चाइना के पार्क्स ज़रूर देखें। चाइना के पार्क्स बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पे टाइम किल करना, यहाँ पे आके लेयर्स टाइम गुजारना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा लगेगा आपको। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के परिंदे मिलेंगे, मोर मिलेंगे, चिड़ियाँ मिलेंगी, लालियाँ मिलेंगी, कव्वे मिलेंगे और तोता, मैना। और यहाँ पे परिंदे डरते नहीं हैं लोगों से। सबसे बड़ी बात ये कि परिंदे लोगों से डरते नहीं हैं। और आज के मेरे व्लॉग में मैंने आपको बता दी। और ये जो नाज़रीन, ये जो पार्क्स हैं, ये चाइनीज़ सोसाइटी में बहुत अहमियत के अमल है, क्योंकि चाइनीज़ बेसिकली काम और पुरसकून लोग हैं, तो वो पार्क्स में आना पसंद करते हैं। और यहाँ पे टाइम गुजारना, यहाँ पे डांस करना, यहाँ पे एक्सरसाइज करना, ये उनका मशगला है। तो नाज़रीन, चाइनीज़ तारीख़ में, चाइनीज़ हिस्ट्री में, चाइनीज़ आर्कियालोजी में ये पार्क्स का, गार्डन्स का बहुत अहम रोल है। और इस रोल की छानबीन अभी बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। चाइना की सोसाइटी से आज के लिए गुड बाय।
तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए बी रेडी। थैंक यू सो मच।